नमस्कार, स्वागत है आपका टुडे साउथ पर। यश और संजय दत्त ये दोनों व्यक्ति जो हैं मेरे ख्याल से आपको मैचो इमेज के लिए जो है इससे बेटर आपको किरदार नहीं मिलेंगे, एक्टर्स नहीं मिलेंगे। इस साल वो दोनों एक साथ आने वाले हैं KGF चैप्टर 2 में, मोस्ट अवेटेड फिल्म है मेरे ख्याल से। मैं तो KGF चैप्टर 2 का बहुत ही बेटेड ब्रेथ के साथ इंतजार कर रहा हूँ। आपको याद होगा अगर आप हमारे TV चैनल के साथ जुड़े हुए थे पहले भी, कि KGF चैप्टर 1 में मैं बहुत ज़्यादा डूबा हुआ था। मैं इतना ज़्यादा डूबा हुआ था कि मैं उसके अलावा कुछ दूसरी फिल्म करने में सोच भी नहीं पा रहा। KGF में किसी बड़े विलन के न होने की कमी लोगों को एक तरह से खली थी उत्तर भारत में। साउथ इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं थी। हम लोग असल में हीरो और विलन के बीच का टकराव बहुत ज़्यादा देखना चाहते हैं। इस फिल्म में हीरो और विलन का टकराव थोड़ा कम था। ये कॉम्पनसेट होगा पार्ट 2 में, जहाँ पर कि बहुत ही खूंखार रोल में दिखाई देंगे आपको संजय दत्त। इस फिल्म की कहानी अभी थोड़ी सी सामने समझ में आई है हम लोगों को। चैप्टर 1 में जो फ्लैशबैक्स दिखाया है या जो फ्लैश फॉरवर्ड दिखाया है उसके वजह से, लेकिन जो रियल स्टोरी है पार्ट 2 की उसमें अभी भी बहुत सारी परत छुपी हुई हैं। आप अभी तक नहीं जानते हैं कि इनायत खलील का क्या होने वाला है। आपको ये तो पता चल गया है कि अधीरा बहुत बुरी तरह से जो है बड़े होकर के आएगा, लेकिन इनायत खलील का भी एक बहुत बड़ा कैरेक्टर बना के रखा हुआ है और इनायत खलील के बारे में इस समय तक कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है आपके लिए। इस फिल्म के देखने जब आप जाएंगे तो पता चलेगा कि एक अलग अंदाज में, एक अलग मज़े के साथ जो है दोनों एक्टर्स एक्टिंग कर रहे हैं। संजय दत्त तो कहते हैं कि उन्हें ग्रे रोल्स करने में बहुत मज़ा आता है, तो ग्रे रोल्स जब वो कर रहे होते हैं तो ही इन्जॉयज़ इट क्वाइट अ बिट। तो कलाकार के तौर पर एक अच्छा मौका है संजय दत्त के पास दोबारा आने का एक विलन के प्रॉपर लुक में। और बड़ी फिल्म है, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये फिल्म जो है नोटिस बहुत ज़्यादा होगी। और अभी संजय दत्त की अगर बात करें तो इसके अलावा वो पृथ्वीराज में भी नज़र आएंगे, सड़क 2 में भी नज़र आएंगे। और मेरे ख्याल से अब बहुत ही मज़ा आ रहा है संजय दत्त को काम करने में, हालांकि वो बहुत ही। आपका क्या विचार है इस बारे में? आप कमेंट में लिखना कतई मत भूलिएगा, और हाँ, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम इसी तरह के अच्छे अच्छे डिस्कशंस करते हैं आपके साथ। धन्यवाद।